कैसे हो आप सब। दोबारा स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल HQ बॉलीवुड न्यूज में और मैं हूं हारिस कुरेशी। सबसे पहले गाइस कैसे हो आप सब। होप उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। और दोस्तों आपसे बिल्कुल गुजारिश है, अभी तक मैंने गुजारिश नहीं करी क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, लेकिन स्टेटस वगैरह लगाए हैं मैंने और मैंने गुजारिश करी है कि आप जहाँ भी हो आप सेफ रहो, घरों में ही रहो, बिल्कुल भी बाहर मत निकलो। और अगर कोई जरूरी काम से निकलना पड़ रहा है बाहर तो पूरी प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकलो और रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों चीज फॉलो करके निकलो। जो भी हमें रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, वो सारी चीजें आप फॉलो करो, सारे मेजर्स को, और तब आप बाहर निकलो। वैसे बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आ रही क्योंकि अभी जो है ऐसा टाइम नहीं है, मैं सोचूं कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन ऐसा टॉपिक आ गया है जिस पे वीडियो बनानी ही बनानी है, जिस पे वीडियो ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा अमाउंट बहुत दलिया दली के साथ, दिमाग के साथ डोनेशन करी है शाहरुख खान सर ने। जी हाँ दोस्तों, हमेशा अलग अंदाज में रहने वाले शाहरुख खान सर भेड़ चाल नहीं चलते कि मतलब जो हर कोई कर रहा है वैसे ही कर लो। हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन वो हमेशा अपनी यूनिक स्ट्रेटेजीज के नाम पर जाने जाते हैं और डोनेशन भी उन्होंने काफी समझदारी के साथ करा है और एक रुपया भी जाहिर नहीं करा है, मतलब कुछ अमाउंट नहीं बताया मैंने कितना डोनेशन कर दिया है, कुछ भी अमाउंट रिवील नहीं करा। और इसके साथ इसे कहते हैं कि जो लोग काफी बोल रहे थे कि शाहरुख खान डोनेट कर और ट्विटर पर शाहरुख खान के अगेंस्ट ट्रेंड चला रहे थे, उनका मुंह भी बंद हो गया और शो ऑफ भी नहीं हुआ, ना तो दिखावा हुआ और उनका मुंह भी शाहरुख खान सर ने बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से डोनेशन करा है शाहरुख खान सर ने और इसका जो ऑफिशियल सोर्स है वो शाहरुख खान सर ने खुद रिवील करा है ट्वीट करके और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने ट्वीट करके। शाहरुख खान सर की तीन बड़ी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, कोलकाता नाइट राइडर्स और मीर फाउंडेशन, ठीक है। रेड चिलीज उनके प्रोडक्शन हाउस, KKR उनके IPL की टीम की कंपनी और मीर फाउंडेशन उनकी फाउंडेशन जो तेजाब पीड़ित लोगों की मदद करती है, तेजाब पीड़ित महिलाओं की मदद करती है। मैं आपको इन तीनों कंपनियों ने शाहरुख खान सर की डोनेशन में पार्ट लिया है और मैं आपको जल्दी से जल्दी बता देता हूँ, पूरा डोनेशन समझा देता हूँ कि किस तरीके से डोनेशन किया गया है। डोनेशन अलग अलग सात भागों में बटाया है। जी हाँ दोस्तों, सात भागों में डोनेशन बटा है, अलग अलग डोनेशन को बांटा है। तो सबसे पहले से शुरुआत करते हुए आखिर तक मैं आपको पूरा बता देता हूं कि किस किस अलग अलग भागों में किस तरीके से डोनेशन हुआ है। सबसे पहले PM केयर फंड, पहला भाग, पहला पार्ट डोनेशन का, शाहरुख खान सर ने बहुत बड़ा अमाउंट PM केयर फंड को दिया है। कितना अमाउंट दिया है ये बाकी जो रिवील कर रहे हैं, मैं इतना दिया है, मैं उतना दिया है, कुछ भी रिवील नहीं करा है, लेकिन एक बड़ा अमाउंट PM केयर फंड को दिया है, यानी प्रधानमंत्री के फंड में दिया है, जो इस महामारी में लोगों की मदद करेगा। वो अमाउंट, एक अमाउंट PM केयर फंड को दिया है। तो ये तो होगा एक पार्ट। दूसरा, CM महाराष्ट्र, CM केयर फंड। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के जो CM हैं उनका भी केयर फंड है, उनके केयर फंड में भी शाहरुख खान सर ने डोनेशन दिया है। कितना दिया है यहां पर भी कुछ भी रिवील नहीं किया है दोस्तों, ठीक है। और इसका धन्यवाद करा है खुद CM ने, जो महाराष्ट्र के CM हैं, उन्होंने खुद ट्वीट करके अपने PMO वाले अकाउंट से खुद ट्वीट करके शाहरुख खान सर का धन्यवाद किया है। इसके अलावा अब तीसरा पार्ट, 50,000 PPE किट प्रोवाइड करी हैं। अब PPE किट क्या है ये आप समझ लीजिए, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, ठीक है, PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट। अब ये किस इस किट में क्या होता है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर हो गए, जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं हमारे लिए, उनके लिए और तमाम लोगों के लिए 50,000 PPE किट, यानी उस किट में मास्क, सनग्लासेस ऊपर से कवर करने का पूरा सूट, ग्लव्स वगैरह सब होंगे उस किट में। एक अच्छी किट दी जाएगी जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में आपकी मदद करेगी। और दोस्तों ये बताया जा रहा है कि अच्छी और ब्रांडेड और बहुत ही बढ़िया किट, कम से कम 3,000 रुपए की एक किट आती है और शाहरुख खान सर भी अच्छी ही किट देंगे, जाहिर सी बात है। तो 3,000 रुपए से अगर हम हिसाब लगाएं तो 50,000 किट के कितने रुपए बैठे,
50,000 किट के बैठे हैं दोस्तों 15 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्त, तो दोस्तों 15 करोड़ रुपए सिर्फ किट किट के ही दे दिए शाहरुख खान सर ने, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि डोनेशन कितना दिया होगा। ठीक है, कोई और एक्टर होता ना तो फौरन रिवील करता इतना बड़ा अमाउंट देने के बाद कि मैंने इतना अमाउंट दिया है, जैसे बाकियों ने करा भी है। लेकिन मैं उनकी कुछ बुराई वगैरह नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस शाहरुख खान कैसे अलग हैं बाकियों से। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो किट की बात हो गई, अब बात करते हैं डोनेशन के फोर्थ पार्ट की। एक साथ द अर्थ फाउंडेशन को यह डोनेशन दिया गया है, इसमें 5500 फैमिलीज को, 5500 परिवार को रोज खाना दिया जाएगा कम से कम एक महीने तक। 5500 परिवार, दोस्तों आप अंदाजा लगाओ, 4 लोग भी अगर एक परिवार में होंगे तो 22,000 लोग बैठ गए। ठीक है, यानी कि कम से कम 22,000 लोगों को दिन का, रात का, सुबह का, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों टाइम का खाना कम से कम एक महीने तक दिया जाएगा। और यह था डोनेशन का फोर्थ पार्ट जो कि दिया गया है द अर्थ, एक साथ द अर्थ फाउंडेशन को यह डोनेशन दिया गया है, इस डोनेशन में यह होगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट दोस्तों, फिफ्थ डोनेशन जो दिया गया है वो दिया गया है रोटी फाउंडेशन को। जी हाँ, रोटी फाउंडेशन नाम की एक फाउंडेशन है, उसे ये डोनेशन दिया गया है। और इसमें 10,000 मजदूरों को खाने की किट दी जाएगी, यानी खाना दिया जाएगा रोज के 10,000 मजदूरों को खाना दिया जाएगा कम से कम एक महीने तक। तो यहां पर खाने की किट कैलकुलेशन करें तो यहां पर 3 लाख किट बैठ गई खाने की, और ये रोज 10,000 मजदूरों को, तो यहां पर 3 लाख किट खाने की ये बैठ गई। ठीक है दोस्तों, कितना होगा 5। अब डोनेशन का सिक्स्थ पार्ट, 2500 मजदूर मिले हैं दिल्ली में, ये तो मुंबई में था अब तक जो भी चल रहा था, इसके अलावा भी देश की राजधानी दिल्ली में 2500 मजदूर मिले हैं जिनका एक महीने का राशन का प्रबंध किया जाएगा, कम से कम एक महीने का। 2500 मजदूरों के एक महीने का राशन, जो भी सामान वगैरह है वो उसका इंतजाम किया जाएगा इस सिक्स्थ पार्ट के डोनेशन के हिसाब से। और सेवेंथ पार्ट है दोस्तों एसिड अटैक विक्टिम्स, जो यूपी, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड में 100 से ज्यादा तेजाब पीड़ित लोग, अधिकतर इसमें महिला रहती हैं, उनकी पूरी देखभाल करी जाएगी कम से कम एक महीने तक। जी हाँ दोस्तों, अब ये 7 भागों में डोनेशन को बांटा है। वो चाहते शाहरुख खान सर अपने ऊपर इतना लोड नहीं लेते, वो चाहते तो एक अमाउंट, बड़ा सा अमाउंट डोनेट कर देते, लेकिन इतना बड़ा दिमाग खुद लगाया है शाहरुख खान सर ने कि इस अमाउंट को मैं इस तरीके से बांटूंगा और इस तरीके से लोगों की मदद करूंगा। ठीक है दोस्तों, और अमाउंट को ऑफिशियल अनाउंस करने में भी इसी वजह से देर हुई है, लोग बाग उल्टी सीधी बातें करते हैं बिना सोचे, उल्टे दिमाग के लोग हो चुके हैं कुछ लोग आज, कि इस चीज की प्लानिंग चल रही थी, डोनेशन को अलग अलग हिस्सों में बांटने की प्लानिंग चल रही थी। ठीक है, लोगों को 1 मिनट नहीं लगता कुछ भी बोलने में और उल्टी सीधी बात करने में, और शाहरुख खान को यूं ही टारगेट करने में मिनट नहीं लगता लोगों को, तो ये वो जो उल्टा सीधा बोल रहे थे ना, उन एक एक लोगों के ऊपर तमाचा मारा है शाहरुख खान सर ने, और मुझे गर्व है अपने सुपरस्टार पे कि मेरा सुपरस्टार इतना अच्छा है। और अगर दोस्तों एक बात और, इस चीज को कैलकुलेट करा जाए इस सारी चीजों को, तो कितने रुपए बैठते हैं, कम से कम 75 करोड़ रुपए बैठते हैं, कम से कम 75 करोड़ तो बैठते हैं, और पता नहीं कितना लगा होगा इसमें, ये मैं कम से कम बता रहा हूं दोस्तों, ये फंड वगैरह सारी चीज मिलाकर कम से कम 75 करोड़ तो बैठते हैं आराम से, और पता नहीं कितना डोनेट करा होगा। हकीकत में रिस्पेक्ट है सर, रिस्पेक्ट, इस इंसान को पता नहीं कोई कैसे हेट कर सकता है, शर्म आनी चाहिए हेटर्स को। ठीक है गाइज, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। मैं हारिस कुरैशी मिलूंगा अगली वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।